सीएम भूपेश बघेल बने दादा, बहू ख्याति ने दिया बेटे को जन्म। पोते को गोद में लेकर मुख्यमंत्री बोले, क्या हाल चाल जी हीरो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दादा बन गए हैं, उनको पोता हुआ है। उनकी बहू ख्याति ने मंगलवार सुबह 10 बजे भिलाई के निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बघेल की बहू ख्याति को भिलाई के एक निजी अस्पताल बीएम शाह में सोमवार को भर्ती कराया गया था। सभी टेस्ट और जांच नॉर्मल आने के बाद मंगलवार सुबह 10 बजे उन्होंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। माँ बेटे को डॉक्टर नर्मदा की निगरानी में रखा गया है। पत्नी के साथ अस्पताल पहुँचे सीएम बघेल ने पोते को गोद में लेकर दुलार किया और कहा, क्या हालचाल जी हीरो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दादा बन गए हैं, यह खुशखबरी खुद सीएम बघेल ने ट्वीट करके दी है। सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करने के बाद मुख्यमंत्री को बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। सीएम भूपेश बघेल का कुर्ता काफी सुर्खियों में था। कुर्ते की जेब पर एक टाई नुमा टैग लगा हुआ था, इस पर दादा टू भी लिखा हुआ था। इस संदेश के साझा करने के बाद से मुख्यमंत्री को बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की शादी बीते साल 6 फरवरी को ख्याति वर्मा से हुई थी। अब किलकारी गूंजने की खुशखबरी आई है। ख्याति वर्मा का परिवार बलौदा बाजार का रहने वाला है। हालांकि परिवार के लोग रायपुर में ही रहते हैं। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के शादी समारोह में देश भर के दिग्गज नेताओं का रायपुर में जमावड़ा हुआ था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, पीएल पुनिया, राहुल राव, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, नवीन जिंदल, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन सहित कई बड़े नेता पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने विवाह समारोह की तस्वीरें अपने ट्विटर पर पोस्ट की थी।